अब आपके सामने पेश है मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम, जो कि कॉस्ट अकाउंट की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। और इस चैप्टर की शुरुआत हम पहली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, और उसके बारे में ये भी बताया है कि मशीन आवर रेट का फॉर्मेट क्या होता है। उसके बारे में मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए संगीपीडिया.com वेबसाइट बनाया है, जहां पर आपको थ्योरी के बारे में भी आप गूगल पर सर्च करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर, कैलकुलेट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग आवर फॉर ए मंथ 160 आवर्स, यहाँ पर पीरियड भी बताया गया एक महीने का, और इसके घंटे बताए गए 160। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, कंपटीशन ऑफ मशीन आवर रेट और बेस पीरियड 1 मंथ, वर्किंग आवर 160 यानी 160 घंटे लिख देंगे यहाँ पर, पार्टिकुलर्स पर मंथ पर आवर, इस प्रकार का कॉलम हम तैयार करेंगे। पार्ट ए में स्टैंडिंग चार्जेज लेंगे, ऐसे खर्चे जो कभी बदलते नहीं हैं, फिक्स होते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं सवाल में कि वो खर्चा आखिर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ऑलरेडी आपके पास जा चुका है, इसमें जो पहला खर्चा है उसके हिसाब से मशीन कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पर 11,000, 11,000 का। स्क्रैप है इसका 1,000 रुपये का। एस्टिमेटेड लाइफ मशीन की 10,000 घंटे है, इसे तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेज फॉर द मंथ, 150 रुपये का है, ये एक महीने का ही है, 150 रुपये लिखा है ना, फॉर द मंथ यानी एक महीने का। इसके बाद है स्टैंडिंग चार्जेज, यानी यही है वो फिक्स ओवरहेड जिसके बारे में हम कह रहे थे कि ये स्टैंडिंग में आएगा, एक महीने का 50 रुपये बोला गया है। और इसके बाद पावर यूज्ड बाय द मशीन 5 रुपये, 5 यूनिट पर आवर है, और रेट ऑफ पावर यूज्ड पर आवर, इनका मानना है कि एक घंटे में जो पावर इस्तेमाल किया जा रहा है वो 10 पैसा प्रति घंटे के हिसाब से यूज किया जा रहा है। जब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हम फिक्स ओवरहेड में वो 50 रुपये लिखेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं है, बल्कि लास्ट में दिया हुआ है स्टैंडिंग चार्जेज के नाम से 50 रुपये, इसी को लिखेंगे। इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है, इसको लिख करके हम स्टैंडिंग चार्जेज का टोटल कर लेंगे, यानी टोटल स्टैंडिंग चार्जेज 50 रुपये। स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर निकालने के लिए इस 50 रुपये को इसको 160 से डिवाइड करेंगे, तो एक घंटे का स्टैंडिंग चार्जेज का पता चल जाएगा। इसके बाद हमारा मशीन एक्सपेंसेज, अगले खर्चे चालू होंगे। सबसे पहले हम पावर लिखेंगे, पावर देखेंगे ध्यान से, तो पावर यहाँ पर लिखा है 10 पैसे प्रति घंटा, इसको मल्टी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बोलता है कि पर आवर का ही खर्चा है ये 10 पैसे, और हमें पर आवर की ही ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर यूनिट लिखा होता तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते। अब ये पर आवर है तो इसका मतलब 10 पैसा डायरेक्टली हम लिखेंगे, पावर यहाँ लिखेंगे पर, मतलब पर आवर वाले कॉलम में 10 पैसा। इसके बाद और आगे देखेंगे तो यहाँ पर रिपेयर है जो कि 150 रुपये है, यह भी एक महीने का है, तो एक महीने घंटे हमारे 160 हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो एक घंटे का 0.9375 रुपया आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेज माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ के घंटे, तो कॉस्ट ये रहा, स्क्रैप इसका ये रहा, खर्चा इसमें है नहीं, लाइफ के घंटे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 1,000 यानी कि जो 1,000 स्क्रैप है उसके हम इसकी कॉस्ट में से घटाएंगे और 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो एक घंटे का 1 रुपया आ जाएगा। अब हमारे तमाम खर्चे समाप्त हो चुके हैं, और अब हम स्टैंडिंग का ये खर्चा और ये मशीन एक्सपेंसेज इन सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर टोटल मशीन आवर रेट 2 रुपये 35 पैसे आ जाएगा। तो इसको अगर हम मैच करते हैं बुक से तो इसका जवाब यहाँ पर 2 रुपये 35 पैसे लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में,
मशीन जो लिखा हुआ है उसकी कॉस्ट है 90,000, 90,000। इसको लाने लगाने का खर्चा 10,000। इसका लाइफ 10 साल का है और यहाँ पर इन्होंने कहा है 2,000 घंटे मशीन का वर्किंग आवर है, वह भी एक साल का। रिपेयरिंग चार्जेज है 50% ऑफ डेप्रिसिएशन और पावर 10 यूनिट लिखा है, 10 यूनिट पर आवर का खर्चा है और एक यूनिट का जो दाम है वो 5 रुपये का है। लुब्रिकेंट ऑयल 20 रुपये पर डे का है, 8 घंटे पर डे मशीन चलती है और 8 घंटे का खर्चा 20 रुपये आता है। कंज्यूमेबल स्टोर 100 रुपये पर डे का है 8 घंटे का और वेजेज ऑफ ऑपरेटर 80 रुपये पर डे है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने जब आंसर दिया तो कहा कि ऑपरेटर वेजेज हमने निकाल दिया है, तो यानी ऑपरेटर वेजेज जबकि कैलकुलेट किया जाता है, तो इन्होंने जब आंसर लिखा तो ऑपरेटर को हटा दिया। तो हम ऑपरेटर को हटाने के बाद ये आंसर चेक करेंगे और ऑपरेटर को लगाने के बाद ये वाला आंसर चेक करेंगे, यानी ऑपरेटर को जोड़ने पर ये आएगा, अगर ऑपरेटर को हटाएंगे तो ये आएगा। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो स्टैंडिंग के खर्चे हैं ये एक दिन का यानी कि 8 घंटे का ही ये खर्चा दिया हुआ है, तीनों 1, 2, 3। तो अब हम जब इसको सॉल्व करने चल रहे हैं तो इसमें आप समझेंगे कि एक दिन का जो खर्चा है और एक दिन का पीरियड, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कंपटीशन ऑफ मशीन आवर रेट वर्किंग आवर 8 घंटे और बेस पीरियड 1 डे लिखेंगे। इसे हमें आपके सामने लिखना है 1 डे, एक दिन। तो यहाँ पर पार्टिकुलर्स होगा, पर डे यहाँ पर लिखा जाएगा, ये कॉलम हमेशा के लिए पर आवर ही लिखा जाएगा। स्टैंडिंग चार्जेज में 3 खर्चे आ रहे हैं, एक तो आ रहा है लुब्रिकेंट 20 रुपये 8 घंटे का यानी एक दिन का, 100 रुपये एक दिन का और 80 रुपये। तो हमने 20 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये, टोटल 200 रुपये लिख दिया। अब ये 200 रुपये जो हैं इसके अलावा और कोई खर्चा स्टैंडिंग में दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये जो खर्चे 200 रुपये हैं ये एक दिन का है यानी 8 घंटे का है। इसे हम यहाँ 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 25 रुपया आ रहा है। इसके बाद मशीन एक्सपेंसेज की ओर आगे बढ़ेंगे। मशीन एक्सपेंसेज में मशीन की कॉस्ट है 90,000, 10,000 इसका लगाने का खर्चा, 10 साल इसका लाइफ है और हर साल ये 2,000 घंटे चलेगी। तो इसका मतलब हुआ 90,000 प्लस 10,000 लगाने का और 2,000 एक साल के घंटे होते हैं और 10 साल ये चलेगी, जिसका मतलब है 1,00,000 को हम 20,000 से डिवाइड करेंगे तो एक घंटे का 5 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से रिपेयर को देखेंगे। रिपेयर यहाँ पर बोला है 50% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसी का 50% यानी आधा, तो 2.5 रुपया हो जाएगा, आधा का मतलब 2.5 रुपया हुआ। इसके बाद है पावर, पावर 5 रुपये प्रति यूनिट है और एक घंटे में 10 यूनिट पावर लगती है, तो 10 की 5 रुपये से मल्टीप्लाई 50 रुपये आ गया। इनका हम टोटल करेंगे तो 82.5 यानी कि 82.50 रुपये मशीन आवर रेट आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग चार्जेज को हटा करके आंसर दिया है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं अगर ऑपरेटिंग चार्ज को हटा देते हैं तो कैसे आएगा। भाई जो स्टैंडिंग चार्जेज है यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें ऑपरेटर का 80 रुपये हटा दो, बाकी ये दोनों रखो, 20 रुपये, 100 रुपये, 120 आया, 120 को 8 से डिवाइड कर देंगे, जो वहाँ पर हमने यहाँ पर 8 घंटे लिया हुआ है एक दिन का, तो यहाँ पर 15 रुपये ही आएगा। डिप्रिसिएशन वही रहेगा, रिपेयर भी यही रहेंगे पुराने वाले तीनों, तो ऐसे रखेंगे, इसका टोटल MHR यानी मशीन आवर रेट 72.50 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 दोनों पोजीशन से ऑपरेटर चार्जेज को जोड़ करके भी और ऑपरेटर चार्ज को हटा करके भी हमने आंसर इसका दोनों कंडीशन में निकाल लिया है। तो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।